नमस्कार दिव्य देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। हम लोग एंगुलर में स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माइक्रो सिंटेक्स और डायरेक्टिव ग्रामर की मदद से आप कैसे अपने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को राइट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनजी इफ और एनजी फोर जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होते हैं, वो कैसे माइक्रो सिंटेक्स और डायरेक्टिव ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें मदद मिलेगी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को और अच्छे से जानने में और समझने में। सबसे पहले हम लोग एनजी इफ का माइक्रो सिंटेक्स और डायरेक्टिव ग्रामर को समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के ऊपर लगाता हूँ एनजी इफ। ऐप कॉम्पोनेंट टीएस के अंदर यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टीज ली हुई है, एक तो नेम्स का एरे है और एक दूसरा क्या है, नेम्स का प्रॉमिस है हमारे पास जो रिजॉल्व कर रहा है नेम्स के साथ। ये मैंने इसलिए लिए हुए ताकि एनजी फोर और एनजी इफ में मैं इनका इस्तेमाल कर सकूँ। ऐप कॉम्पोनेंट एचटीएमएल में वापस आ जाते हैं। एनजी इफ को हम यूजली इस तरह से लिखते हैं एनजी इफ, उसके बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होती है कि वो ट्रूथ ही होगी तब आपको ये करना है, एल्स कुछ और काम करना है, तो एल्स वाला पार्ट भी इसमें होता है। पहले ये वाला समझते हैं डायरेक्टिव ग्रामर के साथ कि ये वाला जो सेगमेंट हमने लिखा है डायरेक्टिव ग्रामर के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टिव ग्रामर के थ्रू ये कैसे एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव ग्रामर में पहला जो सेगमेंट है हमारा वो क्या कहता है कि लेट से शुरू होनी चाहिए या फिर आपकी एक एक्सप्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लेट से शुरुआत नहीं है एनजी इफ में, तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक वैलिड एंगुलर एक्सप्रेशन होती है जो कि इनपुट प्रॉपर्टी होगी। इनपुट प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ एन जी इफ इक्वल टू नेम्स, इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन जो है वो क्या है कि एन जी इफ जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है उसके ऊपर एन जी इफ की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एन जी इफ की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम सेम वही है जो हमारा सिलेक्टर का नाम है, डायरेक्टिव का नाम है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रही है वो सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म से हो रही है। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ इस बारे में भी कि सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन का मैंने यूज़ किया फर्स्ट सेगमेंट में से, और अब एक्सप्रेशन क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रही है एन जी इफ के ऊपर, किस चीज़ की, एन जी इफ की प्रॉपर्टी को बाइंड कर रहा है। इस चीज़ को एन जी टेम्पलेट में कैसे ट्रांसलेट किया है एंगुलर ने, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एन जी टेम्पलेट कि एन जी इफ एक डायरेक्टिव है उसको एज एट्रीब्यूट के तौर पे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद उसके ही ऊपर एन जी इफ की एक प्रॉपर्टी है क्योंकि डायरेक्टिव का नाम और प्रॉपर्टी का नाम सेम है, उसको बाइंड कर दिया नेम्स के साथ, ये नेम्स जो मैंने ऐप कंपोनेंट में डिफाइन किया हुआ था। तो ये जो ऊपर वाला सिंटेक्स है वो डायरेक्टिव ग्रामर की मदद से एंगुलर ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, एनजी टेम्पलेट में, कुछ इस तरीके से। एनजी इफ के अंदर हमारे पास एल्स सेगमेंट भी होता है कि अगर ये फॉल्स ही रहेगा तो एल्स वाला क्या आपको काम करना है, और एल्स वाला यूजली क्या होता है, एक टेम्पलेट होती है हमारे पास, दूसरी टेम्पलेट जो हम लोग पॉइंट कर रहे होते हैं। एक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे एनजी टेम्पलेट और इसको मैं कह देता हूँ एल्स पार्ट। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें एल्स में हम लोग क्या पास कर देते हैं कि एल्स पार्ट, ये वाली टेम्पलेट जो है वो मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ। इसको डायरेक्टिव ग्रामर से एक्सप्रेस करके देखते हैं कि कैसे ये बन रहा है। फर्स्ट सेगमेंट में से मैंने एक्सप्रेशन को उठा लिया यानी कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दी नेम्स की, ये वाली। सेकंड सेगमेंट में ऑप्शनली हमारे पास क्या है, सेमी कॉलन आप लगा सकते हो, तो नेम्स के बाद मैंने सेमी कॉलन दे दिया। देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। तीसरा जो सेगमेंट है वो तीसरा सेगमेंट क्या है, वो कह रहा है कि शुरुआत होनी चाहिए लेट से या फिर एज से या फिर की एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर हमने की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। की एक्सप्रेशन यूज़ होता है किस लिए, इनपुट प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए, डायरेक्टिव की जो इनपुट प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एल्स प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर मैंने क्या भेज दिया है, एल्स पार्ट को भेज दिया एज ए वैल्यू के तौर पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो की एक्सप्रेशन क्या कहती है, इनपुट प्रॉपर्टी फिर कॉलन हो सकता है, ऑप्शनल है, कॉलन भी देना चाहो दे सकते हो नहीं तो छोड़ भी सकते हो, देन उसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट जो भी आपकी वैल्यू है, उसके बाद अगर आप चाहो तो सेमी कॉलन भी दे सकते हो, ये भी ऑप्शनल चीज़ होती है हमारे पास, इसको चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ थी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव वाली मैंने डायरेक्टिव ग्रामर के साथ आपको जोड़ के बता दी। एनजी टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट करेगी एंगुलर इसको, इसी को ले लेते हैं। एनजी टेम्पलेट के ऊपर पहले वो एनजी इफ का डायरेक्टिव अप्लाई करेगी एज एट्रीब्यूट के तौर पर, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रखी है तो सेम नाम की प्रॉपर्टी है तो उसके साथ उसकी डायरेक्टिव की बाइंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनजी इफ एल्स इक्वल टू एल्स पार्ट। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारे पास ये एल्स प्रॉपर्टी थी इसको एंगुलर ने टेम्पलेट में कन्वर्ट करते टाइम कैसे कर दिया, एन जी इफ एल्स। यहाँ पर जो पहली जो चीज़ है वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट हाफ जो है वो सिलेक्टर का नाम है, सिलेक्टर का नाम क्या है, एन जी इफ ही है, मतलब डायरेक्टिव का नाम क्या है, एन जी इफ है।
उसके बाद प्रॉपर्टी जो थी एल्स वाली उसको उसने पास्कल केस में कर दिया और दोनों को कॉनकैट करके जोड़ दिया। तो पहला सेगमेंट सिलेक्टर का नाम यानी डायरेक्टिव का नाम, दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी का नाम पास्कल केस में। तो इस तरीके से कुछ वो कन्वर्ट कर देती है, फिर उसके बाद उसने प्रॉपर्टी ये जो पूरी बाइंडिंग थी जोड़ दी उसकी वैल्यू के साथ। हमारे पास एनजीएफ के अंदर देन वाला पार्ट भी होता है, आप चाहो तो एक देन वाली स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो। अगर ट्रू की वैल्यू होगी तो मैं कह सकता हूँ कि देन में यहाँ पर कुछ वैल्यू पास कर सकता हूँ। ये ट्रू टेम्पलेट भी जो है कि ट्रू पार्ट ही रख लेते हैं इसका नाम भी। अगर इसको हम लोग रिलेट करके देखें डायरेक्टिव ग्रामर के साथ तो क्या चीज़ है यहाँ पे, पहले नंबर पे एक्सप्रेशन फर्स्ट सेगमेंट में से हमने उठाई तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगी, दूसरे नंबर पे से सेमीकोलन उठाया, सेमीकोलन ऑप्शनल है लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में से की एक्सप्रेशन को उठाया। की एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि इनपुट बाइंडिंग हमने सेट करी, कौन सी, देन वाली, देन के ऊपर हमने क्या किया सेमी कॉलन लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे ट्रू पार्ट दे दिया। रिपीट करेंगे इसी चीज़ को दोबारा से हम लोग, क्योंकि स्टार है तो उसका मतलब क्या है, रिपीट करेंगे, अगली एक और इनपुट बाइंडिंग सेट कर दी जिसका नाम क्या है एल्स, और उसके बाद फिर उसमें मैंने उसकी वैल्यू पास कर दी और यहाँ पर सेमी कॉलन दे दी ऑप्शनल जो होता है। इसमें सेमी कॉलन भी ऑप्शनल है, देना चाहो दे सकते हो, कॉलन भी हमारे पास ऑप्शनल है, कोमा भी इवन ऑप्शनल है, और यहाँ पर कॉलन फिर से ऑप्शनल है, सेमी कॉलन फिर से ऑप्शनल। तो सेमी कॉलन, कॉलन और कोमा ही ऑप्शनल ही होते हैं। ये पूरी की पूरी डायरेक्टिव ग्रामर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। एनजी टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट किया होगा ये सारा पार्ट तो था ही, इससे पहले ऑर्डर में ही चलेंगे हम लोग, देन वाले पार्ट को भी उसने किया होगा। कैसे किया होगा, डायरेक्टिव का नाम क्या है एनजीएफ और उसके बाद किस प्रॉपर्टी को सेट करना है, देन वाली को पास्कल केस में उसने कन्वर्ट कर दिया और क्या डाल दिया, ट्रू पार्ट। तो इस तरीके से जो सिंटेक्स था, ग्रामर थी, वो ट्रांसलेट हो गई एनजी टेम्पलेट में। हमारे पास एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास डायरेक्टिव ग्रामर में या फिर की एक्सप्रेशन होती है, उसमें आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि जो भी आपने इनपुट बाइंडिंग सेट करी हैं उनको आप बाहर की तरफ एक्सपोज करवा सकते हो, यूज कर सकते हो एज कीवर्ड का यूज करके। कहने का मतलब मेरा क्या है, एक बार मैं ये जो सारा पार्ट है इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एनजीएफ नेम्स कौन से वाले, प्रॉमिस वाले रिजॉल्व करो असिंक पाइप की मदद से। तो पहले नंबर पे तो अभी भी हमारे पास क्या है, सेगमेंट में एक्सप्रेशन ही है। डायरेक्टिव ग्रामर क्या कहती है कि एक्सप्रेशन होनी चाहिए वैलिड, ये वैलिड एक्सप्रेशन है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एनजीएफ की प्रॉपर्टी बाइंडिंग में सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ एज, क्योंकि एक्सप्रेशन और की एक्सप्रेशन में आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप एज का यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपने इनपुट प्रॉपर्टी सेट करी है उसको वापस आप स्टोर कर सकते हो, टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट के बाहर किसी भी नाम से। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एन, देन डिम में मैं यूज़ कर लेता हूँ एन और जेसन पाइप के थ्रू इसको दिखा दूंगा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर इसको एनजी टेम्पलेट के थ्रू ट्रांसलेट करूँ, एनजी टेम्पलेट पे एनजी इफ जो है पहले वो डायरेक्टिव अप्लाई करो, फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दो किसके साथ, नेम्स के साथ ही, कौन से नेम्स के साथ, इस तरीके से असिंक पाइप के साथ। अगली चीज़ क्या कह रहे हैं एज एन, इसका मतलब ये है कि लेट, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एन इक्वल टू, और एक्सपोर्टेड प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये जो हमने प्रॉपर्टी सेट करी है प्रॉपर्टी का नाम क्या है एनजीएफ है, वही वाली इनपुट प्रॉपर्टी हम बाहर की तरफ यूज़ कर रहे हैं। तो लेट एन इक्वल टू एनजीएफ, देन इसके बाद अंदर की तरफ अगर हम लोग आएँ तो डिव और डिव के अंदर एन, इस तरीके से इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब हम लोग एनजी4 का जो सिंटेक्स है उसको देखते हैं कि डायरेक्टिव ग्रामर के साथ हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। जो हमारी डिव थी उसी के ऊपर मैं एनजी4 इस बार अप्लाई करूँगा, और NG4 हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरीके से कुछ लिखते हैं लेट नेम ऑफ नेम्स, और कई बार हम लोग इस तरह का भी यूज़ करते हैं लेट i इक्वल टू इंडेक्स, और डिव के अंदर फिर यहाँ पर हम लोग नेम को प्रिंट करा देते हैं। अगर इसको हम लोग डायरेक्टिव ग्रामर के साथ मैच करके देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट क्या कहता है कि लेट से शुरू करो या फिर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हमारे पास शुरू हो रखा है लेट के थ्रू, यानी कि हम लोग एक इम्प्लिसिट जो प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट की वो बाहर की तरफ ले रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम मैंने क्या दे दिया नेम दे दिया। सेकेंड सेगमेंट क्या कहता है कि ऑप्शनली आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोमा होना चाहिए, सेमी कॉलन, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ, सेमी कॉलन भी दे सकता हूँ। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या कहता है कि शुरू होना चाहिए लेट से या फिर एस से या फिर की एक्सप्रेशन के साथ, तो की एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे ऑफ जो है इनपुट प्रॉपर्टी वो सेट कर रहा हूँ मैं, कॉलन यहाँ पे ऑप्शनल हो सकता है मेरे पास, मैं दिया नहीं हुआ था, यूजुअली हम लोग नहीं देते हैं, चाहो तो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद जो भी आपने उसकी सेटिंग करनी है, इसी पूरी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेमी कॉलन दे रहा हूँ, देना चाहो तो दे सकते हो नहीं तो ऑप्शनल है, रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करते टाइम यहाँ पर मैं इस बार यूज़ कर रहा हूँ लेट का, लेट आई
इक्वल टू इंडेक्स, एक्सपोर्ट की गई है एक वैल्यू जिसका की है इंडेक्स, इक्वल टू कर दिया आई के साथ उसको। तो ये पूरा रिपीट हमने कर दिया इसमें, ये वाला सेगमेंट है सारा हमारा ऑफ से लेके लेट वाला, ये थर्ड जो सेक्शन है उसी से जुड़ा हुआ है कि शुरुआत कर सकते हो कि लेट से, एज से, की एक्सप्रेशन से। मैंने की एक्सप्रेशन से शुरुआत करी, रिपीट किया उसी सारे सेगमेंट को, बट इस बार मैंने शुरुआत करी लेट से, आई इक्वल टू इंडेक्स मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये वाली चीज़ भी प्रॉपर एकदम वैलिड है, इससे भी हमारा काम हो जाता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चाहे तो हम लोग इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, और हमारे पास ये भी होता है एक फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी एक्सपोज हो रखी होती है जो ng4 है उस पे से। तो मैं कुछ इस तरीके का भी काम कर सकता था, यहाँ पे ऑप्शनल होता है की एक्सप्रेशन के साथ अगर आप देना चाहो कॉलन तो दे सकते हो। तो अगर इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन मैं करूँ, इसको मैं सारों को ले लेता हूँ कॉमा सेपरेटेड, और यहाँ पर इनपुट बाइंडिंग ये मैंने ले ली। तो क्या कह रहे हैं हम कि शुरुआत होनी चाहिए किससे, लेट से, एक्सप्रेशन से। मैंने कहा लेट से शुरुआत कर रहे हैं। अगली चीज़ क्या है कि सेमी कॉलन या कोमा हो सकता है, मैंने कोमा ले लिया है। फिर उसके बाद क्या है कि थर्ड जो चीज़ है वो लेट से शुरू हो, एज से शुरू हो, या फिर की एक्सप्रेशन से, मैंने शुरू किस चीज़ को ले लिया, लेट को ले लिया, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, फिर कोमा कर दिया, फिर रिपीट किया उसी सेक्शन को, शुरुआत कर दी लेट से, इज फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया सेमी कॉलन से एंड कर दिया, दोबारा से रिपीट किया थर्ड वाले सेगमेंट को, और कहा कि इस बार मैं की एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। की एक्सप्रेशन क्या है मेरी, ऑफ वाली है, यानी इनपुट बाइंडिंग जो है ऑफ वाली, उसको मैं सेट कर रहा हूँ किसके साथ, नेम्स के साथ। और ng4 के अंदर हम लोग जानते हैं कि ट्रैक बाय फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इधर मैं ये भी कह सकता हूँ एक और बार रिपीट करो, रिपीट करना है कॉमा, किससे, ट्रैक बाय जो है मेरा कोई ट्रैक फंक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉलन जो है वो ऑप्शनल होता है की एक्सप्रेशन के अंदर। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं हुआ फंक्शन। अगर मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाऊं तो ng4 का ये वाला रूप भी सही से काम कर लेगा। ब्राउजर में आप देख पा रहे हो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। आपने शायद कभी इस तरीके से ng4 का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्टिव ग्रामर आती है, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को लिखने के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं ng4 की, ngf की, या जो भी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, और इस तरीके की एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकते हैं, इस तरह का सिंटेक्स भी आप लिख सकते हैं। ये ng4 वाली जो चीज़ थी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव का जो हमने सिंटेक्स लिखा था, इसी को हमें पता है एंगुलर किस में कन्वर्ट कर देती है, ng टेम्पलेट में। तो किस तरीके से उसने कन्वर्जन की होगी, अगर हम यहाँ पर लें तो ng टेम्पलेट में ng4 जो है वो उसने सेट किया कि एक डायरेक्टिव है जिसका नाम है ng4, वो अप्लाई करना है, ठीक है, एज एट्रीब्यूट के तौर पे उसने उसको लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ की। अगला उसने काम क्या किया, लेट लिया नेम ताकि इम्प्लिसिट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो उसके अंदर आ सके। देन इसके बाद लेट आई इक्वल टू उसने क्या कर दिया, इंडेक्स कर दिया। इसके बाद उसने लेट इज फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट के साथ उसने उसको कर दिया सेट। फिर आता है ऑफ वाला। ऑफ वाला क्या है, इनपुट प्रॉपर्टी है, और इनपुट प्रॉपर्टी को कैसे उसने सेट किया होगा, सिलेक्टर का नाम क्या है, डायरेक्टिव का नाम क्या है, ng4 है। फिर उसके बाद जो इनपुट प्रॉपर्टी है, इनपुट प्रॉपर्टी को पास्कल केस में उसने ऑफ के साथ इस तरह से डाल दिया होगा, और फिर नेम्स को ऐसे सेट कर दिया। ng टेम्पलेट के अंदर फिर उसने डिव को रैप भी कर दिया, और रैप करने के बाद नेम यहाँ पर डाल दिया। तो ये कन्वर्जन उसने इस तरीके से कर दी होगी। इवन हम चाहें तो एज वाला भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टिव ग्रामर में, जो सिंटेक्स है एज वाला अगर मैं यूज़ करता तो लेट नेम की फर्स्ट तो शुरुआत होनी चाहिए लेट के साथ या फिर एक्सप्रेशन के साथ, तो लेट नेम वाला ही रखते हैं। फिर अगर आते हैं हम लोग कि क्या करना है, आपको कॉमा यूज़ करना है सेमी कॉलन सेकेंड सेगमेंट में से, मैंने कहा कि कॉमा यूज़ कर लूँगा। थर्ड सेगमेंट में से बताओ कि लेट यूज़ करना है, एज यूज़ करना है, की एक्सप्रेशन। तो ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इंडेक्स एज आई। इसका मतलब भी क्या है, एज वाला जो अगर आप देखें सिंटेक्स वो क्या कहता है, जो भी एक्सपोर्टेड की है वो लिखो, फिर एज लिखो, फिर लोकल वेरिएबल आपको क्या रखना है। फिर मैं रिपीट करता पैटर्न, इस बार मैं कह देता हूँ लेट को हटा दिया, और अब की बार मैं कह रहा हूँ एज से शुरुआत करूँगा कि जो हमारे पास फर्स्ट है एक्सपोर्ट की, एज इज फर्स्ट, उसको इज फर्स्ट लोकल वेरिएबल में आप डाल देना, और ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद रिपीट करूँगा पैटर्न को, और पैटर्न को रिपीट करते हुए की एक्सप्रेशन का इस बार मैं इस्तेमाल करूँगा ऑफ नेम्स वाली, चाहूँ तो यहाँ पे कॉलन भी दे सकता हूँ। अभी भी सेम यही चीज़ उसने इस तरीके से ही कन्वर्ट करी होगी। अगर इसको मैं चला के दिखाऊँ आपको, दोनों ही चला के दिखाता हूँ, ऊपर वाला भी, तो देख पा रहे रिजल्ट आ रहा है, और जो कन्वर्जन उसने की होगी वो वाला भी हमारे पास सही से चल रहा होगा, वो भी हमारे पास सही से वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ से हमने जाना कि कैसे ng4 और ngif जो है वो डायरेक्टिव ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को एक्सप्रेस करने के लिए माइक्रो सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर एंगुलर जो है उसको ट्रांसलेट कर देती है ng टेम्पलेट।
ये डायरेक्टिव ग्रामर अगर आपको आ गई तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स में कोई परेशानी है नहीं, तो हाईली रिकमेंड करूंगा पिछली वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें कंप्लीटली स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की जो ग्रामर है मैंने समझाई आपको। नेक्स्ट वीडियो से कुछ एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स बनाने की हम लोग शुरुआत करेंगे। ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करते हुए जाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। डिस्कॉर्ड पे आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और इस तरह के ऑसम कंटेंट के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।